दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे मैच में वाशिंगटन सुंदर ने हैट्रिक गेंदबाजी से तोड़ा सालों पुराना रिकॉर्ड। आज तक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अश्विन जैसे खिलाड़ी भी नहीं कर पाए ये कारनामा, तो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी वाशिंगटन सुंदर को एक अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है मात्र 300 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज शेरे बांग्ला स्टेडियम पर खेला गया। तो वहीं दोस्तों, इस मुकाबले में एक बार फिर से बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला चौंका देने वाला था और एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि आज का ये मुकाबला भारत के नाम लगभग हो ही चुका है, क्योंकि 5 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम के मात्र 69 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही पता था कि यहां पर महमदुल्ला और मेहदी हसन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैच में एक ऐसा गेंदबाज रहा जिसने हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत अनामुल हक और लिटन दास ने करी थी, जहां ये दोनों बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अनामुल हक के रूप में लगा, जो कि 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए और लिटन दास ने 7 रनों की पारी खेली। और ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद नाजमुल हुसैन और शाकिब अल हसन पर हर किसी को भरोसा लग रहा था कि ये दोनों अच्छी साझेदारी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाजमुल हुसैन 21 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शाकिब अल हसन ने 8 रनों की पारी खेली। और ये 4 बड़े झटके लग जाने के बाद फिर मुशफिकुर रहीम का विकेट गिरा, जो कि 12 रन पर ही आउट हुए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो 5 बड़े विकेट गिरे थे, इनमें 3 विकेट तो वाशिंगटन सुंदर ने ही अपने नाम किए थे और यहाँ उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम पर पूरी तरह से दबदबा बनाकर रख रखा था। और एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि 50 ओवर भी बांग्लादेश की टीम पूरे नहीं खेल पाएगी। और इसी बीच वाशिंगटन सुंदर ने यहाँ 3 गेंद में लगभग 3 विकेट लगातार चटका ही दिए थे। पहले उन्होंने मुशफिकुर रहीम को 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट किया, जहाँ शिखर धवन ने शानदार कैच पकड़ के उन्हें पवेलियन भेजा। और फिर इसकी अगली ही गेंद पर आफिफ हुसैन को उन्होंने आउट कर यहाँ बांग्लादेश की टीम को छठा झटका दिया था। और फिर दोस्तों, इतना ही नहीं, वाशिंगटन सुंदर ने लगभग महमदुल्ला को 20वें ओवर की पहली गेंद पर आउट कर ही दिया था और लगातार ये 3 विकेट हो जाते तो हैट्रिक हासिल कर लेती। लेकिन विराट कोहली के हाथों से वो कैच छूट गया, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा और वाशिंगटन सुंदर के हाथ से हैट्रिक निकल गई। लेकिन दोस्तों, आज उन्होंने एक ऐसा बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम स्थापित कर लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया अब हैरान है कि इस युवा गेंदबाज ने आखिर ये रिकॉर्ड तोड़ कैसे दिया। क्योंकि यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ जैसे ही 3 विकेट हासिल किए, तो उन्होंने अपने वनडे क्रिकेट करियर में 13 विकेट के आंकड़े को भी पार कर लिया है। और वहीं हम आपको बता दें कि सबसे अच्छा बेस्ट स्कोर बनाने के मामले में वाशिंगटन सुंदर ने आज 30 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। और इतना ही नहीं, वाशिंगटन सुंदर ने बतौर स्पिनर बांग्लादेश की सरजमी पर सबसे अच्छी गेंदबाजी करते हुए सबसे अच्छे आंकड़ों को दर्ज किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने जैसे ही 3 विकेट मात्र 12 रन देकर ही हासिल कर लिए थे, तो उन्होंने वनडे क्रिकेट करियर में बांग्लादेश की सरजमी पर सबसे अच्छी गेंदबाजी करवाने वाले गेंदबाजों में मुरलीधरन, वसीम अकरम, वकार यूनिस और यहां तक कि शाहिद अफरीदी, ब्रेटली और लसित मलिंगा, अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ियों को पीछे कर दिया है। और वाशिंगटन सुंदर ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम बांग्लादेश की सरजमी पर कर दिखाया है। और दोस्तों, इनसे पहले जिस भी गेंदबाज ने, जैसे कि मुथैया मुरलीधरन ने जो गेंदबाजी की थी, उसमें उन्होंने 3 विकेट तो हासिल किए थे, लेकिन वो 15 रन देकर, और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट मात्र 12 रन देकर हासिल कर ये सालों पुराना रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है वाशिंगटन सुंदर के इस रिकॉर्ड के बारे में, और आपके अनुसार वाशिंगटन सुंदर को कितने नंबर आप देना चाहोगे उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए, क्योंकि आज वही सबसे अच्छे दिखे हैं। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।